कहीं आपका बचपन कभी खत्म नहीं होगा। जब देखो सैर तफरी सैर तफरी सैर तफरी। आज हवाई जहाज में उड़ने को जी चाह रहा, रेल में बैठने को जी चाहेगा। भाई इंसान को अपनी उम्र देखनी चाहिए, ये नहीं कि मुट्ठी भर हड्डियां उछाल के कर रहा है दर बदर। सांस नहीं फूलेगी, रुक जाइए। अगर आपकी सैर तफरी इसी तरह जारी रही तो सही रास्ता रुक रहा है। हमारे खड़े होने से आपको तकलीफ हो रही है दादा जी? आपके पीछे रास्ता रुक रहा है, आप बैठिए ना। आप बैठ जाइए, आपके घुटने में भी तकलीफ है। बहुत जल्दी आपको मेरे घुटने का ख्याल आया। अरे टूट जाने दीजिए, आपकी बला से घुटना रह जाना रहे। आए मैं बड़े घुटने का ख्याल सहन सकती होगी, मुसीबत में जान कर दीजिए। जब देखो घर में बैठना ही नहीं है, जब देखो शहर यहाँ चलो वहाँ चलो लाहौल लाओ, जिंदगी कुछ पानी लगेगा। आपको मुझे कुछ नहीं चाहिए, बैठना चाहिए। शुक्रिया। आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही है? मेरी तबीयत खराब होगी तो आप हवाई जहाज से उतर जाएंगी क्या? मेरा ख्याल है आप इसी तरफ आ जाइए। जी मुझसे कुछ कहा जी? मेरा ख्याल आप इस तरफ बैठ जाएं और मैं उस तरफ। खिड़की की तरफ मत देखना। दरअसल मैं पहली बार प्लेन में जा रही हूँ ना। बिल्कुल अकेली। अच्छा अच्छा, इस फिक्र की कोई बात नहीं है, बड़ा मुख्तसर से सफर है, पता भी नहीं चलेगा। सुनिए मुझे चक्कर आएंगे ना? जी प्लेन में चक्कर भी आते हैं और हार्ट भी सिंक करता है। नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है। फर्ज कर ले मेरी तबीयत खराब हुई तो ये लोग डॉक्टर को बुला लेंगे ना? आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, आप ध्यान मत दीजिए। फर्ज करे होगी तब? नहीं होगी। आप बेल्ट तो बांध लीजिए। आप सीट बेल्ट बांध लीजिए प्लीज। अब ये उड़ेगा, देख लिया? देखी बात है। अरे बात आज कोई नहीं है, मुझे ये शैतानी सफर कभी भी पसंद नहीं, मगर आपको तो हवा में उड़ने का शौक है ना, उड़िए खूब उड़िए। इब्ने बतूता की जानशीन आप ही तो हैं। अरे आहिस्ता क्यों बोलूं? किसी की चोरी करके नहीं भागा हूँ या किसी गैर से बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी जाती बीवी से बात कर रहा हूँ। जी चाहेगा ऐसा बोलूंगा, जी चाहेगा जोर से बोलूंगा। हाँ एक तो कमबख्त बांध के बिठा देते हैं, ऊपर से हजारों लाखों पाबंदी है। अब जो उड़ेगा तो चक्कर भी आएंगे और मछली होगी तो वो अलग होगी। सुनिए मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। जी मुझे कुछ हो रहा है। आपको कुछ नहीं हो रहा है, भला आपको क्या हो सकता है? आपको क्या पता मुझे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। कमाल घबराने की कोई बात नहीं। कमाल कर रहे हैं आप, मैं नहीं घबराऊंगी। पहली मर्तबा बिल्कुल अकेली जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे आप ये अकेली क्यों जा रही हैं? आया को टिकट नहीं मिला और मेरा जाना बहुत जरूरी था। यू नो अंकल ने मुझे बुलाया था जिम्मी से मिलाने के लिए। ऑफ कोर्स आई डोंट केयर फॉर जिम्मी एनीमोर, बट यू नो अंकल को मैं इनकार भी तो नहीं कर सकती थी। जाहिर है। वैसे ये जिमी कौन है? मेरा फियांसे है, मेरे उससे लड़ाई हो गई थी। बड़ा सेल्फिश है, मुझे मनाने तक नहीं आया और ना ही उसने मुझको सॉरी कहा। कहना चाहिए तो भी। मैं तो अंकल के बुलाने पर चली आई, डैडी ने मुझको भेज दिया, वरना तो यू नो जाहिर है उसे मेरे पास आना चाहिए था ना। यकीनन, लेकिन वो नहीं आया। मत आए मत आए, जाहिर है आपको परवाह भी नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं मैं फ्लर्ट हूँ। नो अब देखिए क्या मैं उसकी वजह से और लोगों से मिलना बंद कर दूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आप बेल्ट खोल लीजिए। क्या जहाज उड़ने वाला है? जी। पिछले 7 मिनट से उड़ा है जहाज। उड़ा है जी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ हो रहा है। आपको कुछ नहीं हो रहा, आप सीधी तो बैठिए। आई स्वेयर मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है। बेल्ट खोल लीजिए। इसे खोलकर मैं सेफ रहूंगी क्या? खिड़की में शीशा लगा है, आप कहीं उड़कर नहीं जा सकती। दरअसल मैं पहली मर्तबा बिल्कुल अकेली सफर कर रही हूँ ना। मम्मी ने मुझसे कहा था मुझे बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आप बहुत काफी केयरफुल हैं, समझी? आपको डर नहीं लगता? किस चीज से?
आप पहले भी तो जहाज में बैठे होंगे? जी हाँ, हजार मरतबा। अच्छा, फिर तो आपने बहुत सारे शहर देख रखे होंगे। तकरीबन सारी दुनिया। फिर तो आप हर वक्त ही घूमते रहते होंगे। बीवी, मुझे घूमने का बड़ा शौक है। आपकी बीवी बच्चे भी आपके साथ घूमते होंगे ना? मेरी बीवी बच्चे नहीं है। हैं? क्यों नहीं है? इसलिए कि मैंने शादी नहीं की। रियली? यू मीन यू आर नॉट मैरिड? डोंट यू माय गुडनेस, डोंट यू माय गुडनेस, यार क्या हो गया? बताइयो। आज नहीं गिरा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं गिरा। बैठिए बैठिए बैठिए। आपका चश्मा गिर गया था। उदम कैसी मच रही थी, कोई तमाशा हो रहा है। बर्तन गिर गए हैं। आप क्या देख रही हैं? कुछ बचा खुचा खाना हो तो फेंक दीजिए आप भी मेरे ऊपर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। शरीफों का सफर करना भी मुसीबत बन गया है। ये दरअसल मेरा पहला सफर है ना, इसलिए। हजार दफा ये जुमला सुन चुका हूँ। प्लीज नाराज मत हो, ये बच्ची रोने लगेगी। जी हाँ। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, इसमें तुम्हारा क्या कुछ? हाँ हाँ, कह दो, सारा कसूर मेरा है, कह दो। लीजिए। ला हौल वला कुव्वत, यानी ये खाना है? इससे तो बेहतर ये है कि आदमी अपने घर की लौकी की भुजिया खा ले। और अच्छा खासा है, खाकर तो देखो। अरे आपका क्या है, कोई मुझे जहर भी देगा तो आप ये कहेंगे अच्छा खासा है, खा लो। आपने वाकई शादी नहीं की? वाकई? मगर आप तो इतने बड़े हैं। बीवी, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हैं। इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम हैं कि बस क्या बताऊँ। थैंक यू। चाहे आप किसी से भी पूछ लें। ये कहिए, बूढ़े लगते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने इन्हें इतने गौर से कब देख लिया? जब ये आपका चश्मा ढूंढ कर लाए थे। अच्छा अच्छा, खाना खाइए। हर वक्त कौमी खिदमत किया करते हैं, ये कुछ काम धाम भी करते हैं। आधा वर्ष भाई साहब। हर रास्ता चलते को बाप भाई कहने का रिवाज खूब है। वालेकुम अस्सलाम। आप ही बताइए, ये आपको कहीं बूढ़े लगते हैं? आपको इनकी उम्र से क्या लेना देना है साहबजादी? जाने दीजिए, बच्ची है। अरे बच्ची है, जब भी तो कह रहा हूँ। मगर इसकी समझ में क्या आएगा जब आज तक आपकी समझ में नहीं आया। आपने कभी भी शादी नहीं की? जी कभी भी नहीं। एक दफा हल्का सा इरादा किया था मगर बच गया। अच्छा, कैसी? बस किस्मत अच्छी थी। ये तो बहुत ही रोमांटिक बात है। मेरे ख्याल में बीवी, ये बहुत गैर रोमांटिक बात है। आप अमीर भी होंगे? हाँ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल कहानियों जैसा है। इसीलिए कहता हूँ कि ये फजूल सी रोमानी किस्म की कहानियाँ पढ़ने छोड़ दीजिए, फिल्में फसूंगी। बैठे ना। आपको कोई लड़की कभी अच्छी भी नहीं लगी? लगी तो थी, मगर बड़े मुख्तसर अरसे के लिए। थैंक यू। ये क्यों मुस्कुरा रही है? पता नहीं। आप मत मुस्कुराइएगा। जी बहुत अच्छा। समझ में नहीं आ रहा, मैं जिम्मी से शादी करूं या नहीं करूं। वो क्यों? पता नहीं क्यों, मगर वो मुझे फैसिनेट नहीं करता जैसे और लोग करते हैं एकदम से। और लोग भी हैं? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाई आप तो जिम्मी से शादी करने वाली थी, आपकी तो शादी होने वाली थी। पता नहीं भाई, कोई सोच सकता है इस तरह? शादी, ये वक्त शादी ब्याह करने का है।
आधी रात को कोई और माकूल काम नहीं मिला करने के लिए? आप सो जाए। अरे जहर खा के सो जाऊं तो सो जाऊं, बट इस बेहूदगी में कोई सो सकता है? चाचा जी, ये जो प्रोग्राम तुम्हारा, इसे किसी और वक्त के लिए मुलतवी नहीं कर सकती। जी अच्छा नहीं, बहुत जिंदगी भरी है खोनाबाद के लिए। सोने दो मुझे। यंग लड़की ज्यादा पसंद नहीं है। यंग लड़की बहुत शो ऑफ होती है। अच्छा। जिम्मी जरा भी संजीदा नहीं है। हर वक्त उसको अपनी शक्ल की, अपने कपड़ों की, गाड़ियों की और लड़कियों की पड़ी रहती है। बुरी बात है। मुझे संजीदा आदमी पसंद है। मैं चोर बड़ी उम्र की, जैसे आप हैं। जी थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। जहाज बादलों में आ गया है। मुझे डर लग रहा है, ये तूफान है, गुजर जाएगा। जहाज गिरेगा तो नहीं? अरे गिरेगा तो नहीं, आमालों की सजा बताओ। मुझे तूफानों से बड़ा डर लग रहा है। वाह, आप बहुत घबरा रही हैं। ऐसा होता ही रहता है, कोई बात नहीं। मैं मरने से नहीं डरती। मैं तो चाहती हूँ ये जहाज चलता रहे। फ्यूल खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा है ना? मैं समझना भी नहीं चाहता। जिंदगी में और बहुत काम है मेरे लिए। We shall be landing in a few minutes due to bad weather. We are sorry for the inconvenience. जहाज उतर रहा है। अरे तुम चाहती हो तो आसमान पे चला जा। क्या चाहती हो तुम? In an upright position. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ। सुभान अल्लाह। मैं जिम्मी के पास जाना भी नहीं चाहती थी। मैं तो कोई बात नहीं है। मौसम खराब होता है तो ऐसा ही होता है। आप अभी ठीक हो जाएंगे। प्लीज, मेरी तबीयत खराब हो रही है। देखिए ना, ऐसा होता रहता है। जरा सी देर की बात है। शायद मर रही हूँ। मुझे बचा लीजिए। जहाज गिरेगा नहीं तो क्या होगा? सारी अली पहले यही मुकम्मल हो रही है। अरे तुम कौन सी बड़ी हो? तुम भी तो बच्चा हो, नन्नी सी मुन्नी सी। तुम्हारा बच्चा ले तो जहाज को रुका के काजी को बुलवा दो, या ये पर्स खुद ही सर अंजाम दे लो। Thank you.
मैं डर रही थी कि कहीं आप सो ना जाएं। क्यों? मुझे आपसे इतनी बातें करनी है, इतनी बातें करनी है कि रात भी खत्म हो जाएगी और दिन भी खत्म हो जाएगा। इस वक्त? और किस वक्त? अभी तो मैंने आपको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं और नहीं आपसे कुछ पूछा। मगर मुझे इस वक्त नींद आ रही है। आने दीजिए, कैसी खूबसूरत रात है। जी हाँ, जरा बाहर निकलिएगा तो पता चलेगा। बिजली चमकी तो भागती नजर आइएगा सरपट। आप तो होंगे। बीवी मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं इस बारिश और तूफान में निकलूं। मेरा जी चाहता है सारी उम्र यहाँ खड़ी रहो। होटल का किराया बहुत ज्यादा है। वैसे आपके कमरे में खिड़की नहीं है? पता नहीं, होगी, मगर उसमें से ऐसा मंजर नजर नहीं आएगा। जाकर देखेंगी तो नजर आएगा। मैं वहां से नहीं देखूंगी। हाँ? अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ। लग रहा है। आप खुश नहीं हैं? देखिए, हम लोग इस उम्र में खुशियों को बहुत छान पटक कर बल्कि पोस्टमार्टम करके कबूल करते हैं। आप जरा भी बूढ़े नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि बड़ी नवाजिश। ये सब कितना प्यारा है, बिल्कुल कहानियों जैसा। जी, तो मुझे दर्दनाक अंजाम की कहानियां बहुत पसंद है। आपको नींद नहीं आ रही? आज तो मैं सारी रात जागूंगी। तो देखिए, बात यह है कि मुझे नींद आ रही है और अभी आपने जो कहा था कि मैं बूढ़ा नहीं लगता, तो उसकी यही वजह है कि मैं अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ। एक रात भी जाग लूं तो उम्र में 2 साल का इजाफा हो जाता है। आपको नींद आ रही है तो आप सो जाए। और आप यहीं खड़ी रहेंगी? So what? बात सुने, आप मेरी बात माने और जाके सो जाए। क्यों? तो इसलिए कि मैं कह रहा हूँ और इसलिए कि ये बुरी बात है। बच्चियों को बड़ों का कहना मानना चाहिए और जाके रात को जल्दी सो जाना चाहिए। मैं बच्चा नहीं हूँ। आप बिल्कुल बच्चा है। चलिए जाइए। मैं आपको बच्ची लगती हूँ? मिस अम्बरीन। आप मुझे खाली अम्बरीन कहिए, बल्कि मेरी सहेलियां तो मुझे एम्बी कहती हैं। मैं आपको क्या कहूँ? तो आप मुझे अंकल उर्फी कहिए, इसलिए कि सारे बच्चे मुझे यही कहते हैं। चलिए फौरन अपने कमरे में जाइए। क्या समझिए आप? चलिए। आप मुझे अपने कमरे से निकाल रहे हैं? जी। शब बख़ैर। लड़ाई हो गई क्या? वो बहुत खराब है। कोई बात नहीं, ये सब ऐसे ही होते हैं। उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया। इसी छोटी छोटी बातों का बुरा थोड़ी मनाते हैं। बीसों दफा ये मुझे कमरे से निकाल चुके हैं। मैं कोई संजीदगी से लेती हूँ? आपस के लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। तुम जरा देर के बाद जाना। भैया आप अभी तक गर्दिश में क्यों हैं? तशरीफ ले चलिए अंदर। कम इन। हेलो। क्या देख रहे हैं? मैं आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए मेरे आने से? मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा आप ही से कुछ बातें कर लूं या कहीं बाहर घूमाए। अच्छा अच्छा, वैसे कहाँ जाने का इरादा है? क्यों ही किसी डांस पर या ड्राइव पर? ओह आई लव इट। मैं भी पीऊंगी। जरूर जरूर, शौक कीजिए। ये लीजिए।
पीजिए। और पी लीजिए, और पी लीजिए। अब ठीक है जी? बस हाँ, ब्रांड दूसरी है ना, आदि नहीं होंगी आप। वैसे आपको नींद नहीं आ रही? आप कैसे आए? ओ मैं समझती थी ये सफर बड़ा बोर गुजरेगा, लेकिन ये तो मेरी जिंदगी का सबसे आम सफर बन गया। वाकई आपको ऐसा नहीं लग रहा? नहीं नहीं लग रहा है, लग रहा है। मतलब मेरी मुश्किल ये है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है। इतना थोड़ा सा तो वक्त है, इसे क्यों वेस्ट है? हाँ ये भी ठीक है। मौसम खराब ना होता तो किसी क्लब जाते, डांस करते। बीवी क्लब तो बंद हो गए होंगे, आप यहीं कर लीजिए डांस। यहीं आपके साथ? मेरे साथ? तौबा कीजिए, भला इस उम्र में मैं डांस करूंगा? देखिए आप ऐसी बात नहीं कीजिए। मेरी बात सुने, आप जाके सो जाए। हर किस नहीं तो जनाब मुझे तो आ रही है नींद, समझिए आप, और इस उम्र में नींद बहुत ज्यादा आती है। मत कीजिए ना ऐसी बातें, बहुत दूर कर रहे हैं आप। तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि जाके सो जाए। हर किस नहीं, मुझे आपसे और बहुत सारी बातें करनी है, सारी रात करनी है, चाहे आप कितने भी बड़े हों और चाहे आप 100 साल के हों। बस शब खैर। वो खफा हो गया तो हम क्या करें? हमने कोई ठेका ले रखा था ताल्लुकात अम्मा का, तुम वक्तों ने जिंदगी अजाब कर दिए। वो इतनी सी तो बच्ची है, उसे भले मनाना कब आता होगा। अभी तो आप जाके मना ले। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि वो दोनों खुश रहें। ये नामुमकिन है, हर वक्त ऐसी ऊट पटांग बातें सोचा करती हैं। खैर आप पढ़ते रहिए वजीफा, मैं सो रहा हूँ। खबरदार जो मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया। पूछिए ना क्या तकलीफ है, रोने दीजिए, दिल की भड़ास निकल जाएगी। अरे ये तो ठंडी हो रही है, आप बाहर जाएं। कहाँ जाऊँ? ओहो बाहर जाएं, देखते हैं बच्ची की क्या हालत हो रही है। जा रहा हूँ, धक्का चाहिए तो सही जल्दी कीजिए। कौन है? माफ करना, मैं वो जी, फरमाइए। वो अंबरीन है ना, उसकी हालत खराब है जी, बहुत खराब है जी। वो हमारे कमरे में तकरीबन बेहोश पड़ी है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। आप जरा जल्दी चलिए, आप जाने क्या हाल है उसका, बेहोशी में बार बार आप ही को पुकार रही है जी। हैरत की बात है? हैरत की बात नहीं है जी। भाई आप चलिए अंदर, खुदा ना करे कहीं इसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। आप आ गए। कैसी तबीयत है आपकी? मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ है आपको? आपने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया था। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने कमरे में क्यों नहीं जाती? मैं मर रही हूँ और आप मुझे डांट रहे हैं। अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो मैं और डांटूंगा। खुदा करे मैं मर जाऊं। ये कैसी नासमझी की बात है? मैं बच्चा नहीं हूँ। आप बिल्कुल बच्चा है। बच्चा नहीं तो फिर ये सब क्या है? मेरी तबीयत खराब है। आपकी तबीयत कुछ खराब नहीं हो रही, चलिए उठिए फौरन। हमारी आधी रात को सबको परेशान कर रही है। हेलो हेलो, कौन है? मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं स्विमिंग पूल में
डूबने के लिए जा रही और मुझे तैरना भी नहीं आता। खुदकशी करनी थी तो गहरे पानी की तरफ डूबती, यहाँ क्यों कूद गई? आ जाइए आ जाइए, मुझे मर जाने दे। आप इतनी आसानी से नहीं मरेंगे, आ जाइए इधर से आ जाइए। अंबरी जी, बीबी मैं ये कहना चाहता था कि कहिए आप कपल ओढ़ लीजिए और ये चाय पीजिए। आप बस यही कहना चाहते थे? Excuse me. मेरा ख्याल है कि मैं डॉक्टर को बुला के लेके आया। नहीं नहीं नहीं, मुझे मरने दीजिए। ओहो, आप ये फजूल बातें छोड़ें और अच्छी तरह से कंबल ओढ़ के लेटें, समझी? आप बस यही कहना चाहते हैं। मैं आपको डांटना चाहता था, मगर अब बाद में डांटूंगा, फिलहाल आपको दवा की जरूरत है। Andy!